हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य एंड ऑटो टेक इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं न्यूली लॉन्च्ड बजाज प्लेटिना 110 ABS के बारे में कि आपको यह बाइक खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी में आपको ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इस सेगमेंट की बाइकों में नहीं आते हैं। तो आपको इसी वीडियो में आपको यही पूरी इसकी डिटेल मिलने वाली है, क्या क्या आपको इसमें ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा में और इसकी आपको प्राइस कितने पड़ने वाली है, सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप कर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड वीडियो के साथ। अगर शुरुआत करता हूँ इसके फ्रंट प्रोफाइल से, तो इसका आपको कुछ इस तरीके का ट्रांसपेरेंट ब्लैक डिजाइन में इसका आपको वाइजर मिल जाएगा जो कि काफी बड़े शेप में मिलने वाला है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको एक LED डे टाइम रनिंग के लिए यहाँ पर आपको एक DRL भी फ्रंट में प्रोवाइड कराती है कंपनी। उसी के साथ में फ्रंट से कुछ आपको पूरा ये इसका लुक मिल जाएगा। साइड में अगर आपको दिखाऊं तो इसमें आपको नए वाले डुअल टोन में ग्राफिक्स मिल जाएंगे। इस गाड़ी में आपको 3 कलर वेरियंट मिलते हैं और अगर बात करता हूँ इस कलर की, तो एक कॉकटेल वाइन रेड कलर होने वाला है। उसी के साथ में इसी के साथ में आपको नए वाले ग्राफिक्स मिल जाएंगे देखने में और फ्रंट में इसमें आपको हेलोजन ही लाइट का सेटअप मिलने वाला है। साइड में इसमें आपको ब्लैक कलर की कार्बन टच की डिज़ाइन भी मिल जाएगी, फाइबर में डिज़ाइन मिलने वाली। इसके ऊपर में आप देख सकते हैं इसका पूरा वाइजर का सेटअप हेड का और टर्न इंडिकेटर आपको इसमें थोड़े से फ्लेक्सल मिल जाएंगे बल्ब वाले हेलोजन में आपको इसमें मिलने वाले इसके टर्न इंडिकेटर का साइज। आप साइड से इसका पूरा लुक देख सकते हैं, इसके आपको फ्रंट से पूरा देख सकते हैं बल्ब वाले आपको यहाँ पर इसके टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे। फ्रंट में इसमें आपको मिलने वाले टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनसे आपके शॉक अब्जॉर्बर भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इसके मडगार्ड के डिज़ाइन में आपको दिखाऊं न्यू वाले ग्राफिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और पावर बॉडी का इसमें आपको मडगार्ड भी मिल जाएगा देखने में। इस साइड से आपको कुछ ये लुक। अब मैं बताऊँ अगर इसमें आपको क्या फर्स्ट इन सेगमेंट मिल रहा है, इसमें आपको ABS मिलने वाला है, सिंगल चैनल ABS गाड़ी मिलता है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट होने वाला है। 240 mm की इसमें आपको डिस्क मिल जाएगी, दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर भी मिलने वाले हैं। उसी के साथ में अब मैं बताऊँ अगर इसमें आपको, तो मीटर केबल वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, सेंसर अप्लाई कर दिए हैं जिनसे इनका झंझट ही खत्म हो गया एक तरीके से मीटर वाला केबल का, देख सकते हैं आप चेंज कराने वगैरह का। इस साइड में आपको स्पीड में क्रैश गार्ड मिल जाएंगे दोनों तरफ के लिए ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ में। कैटलिटिक कन्वर्टर के ऊपर में आपको यहाँ पर कुछ ये पूरा लुक इसका ब्लैक कलर का इंजन का थीम मिल जाएगा। टैंक का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इसमें आपको न्यू ग्राफिक्स मिल जाएंगे, प्लेटिना की बैजिंग मिल जाएगी लिखी हुई, देख सकते हैं आप न्यू वाले ग्राफिक्स मिल जाएंगे और 10.5 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। साइड पैनल आपको इसका पूरा फाइबर बॉडी का मिल जाएगा, डुअल टोन ग्राफिक्स नए वाले जो थे वाइट के साथ में कुछ इस तरीके के कलर के साथ में मिलने वाले, उसके साथ में फाइबर बॉडी का यहाँ पूरा सेटअप मिल जाएगा। और इस साइड में आपको 110 ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की बैजिंग मिल जाएगी, जिससे आपकी स्किडिंग की प्रॉब्लम वगैरह बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग के तरीके ही इसका ब्रेक पैड काम करता है, क्योंकि जब आप बैक वाली ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो फ्रंट के साथ में लग के लगती है, जिससे आपकी स्किडिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी कम हो जाती है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको मेटल में एक साड़ी गार्ड मिल जाएगा और लेडीज़ वाला फुटरेस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको रबर की कवरिंग मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी के साथ में इसमें आपको फुटपैक्स मिल जाएंगे एडजस्टेबल रबर कवरिंग के साथ में। और मैं अगर इसके बैक सस्पेंशन के सेटअप की बात करता हूँ, इसमें आपको मिलने वाले हैं SOSB नेटवर्क्स कैनिस्टर वाले सस्पेंशन जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं किसी भी, मान लीजिए आप थोड़ा थोड़ा जैसे गड्ढे वगैरह में भी आराम आपको इससे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फुटपैक मैंने बताया आपको पूरा क्लोज में चैन सेट कवर और 5 गियरबॉक्स का इसमें आपको कॉन्स्टेंट मैश सिस्टम मिल जाएगा जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट होने वाला है। इस साइड में आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलने वाला है साइड हेड नॉब की वार्निंग, एडजस्टेबल यहाँ पर आपको इसमें भी सब सिस्टम पूरा मिल जाएगा। बैक का मैंने आपको दिखाया, अब मैं अगर बैक टायर प्रोफाइल की बात करता हूँ तो इसमें आपको मिल जाएगा 8017 का टायर, देख सकते हैं आप इसका पूरा ये, इसमें आपको यहाँ पर स्टिकरिंग भी मिल जाएगी इसके अलॉय के ऊपर में 17 इंचेस के कुछ तरीके अलॉय का पैटर्न आपको इसका मिल जाएगा। बैक में यहाँ पर आपको मिलने वाली है ग्रैब रेल जो कि मैट ब्लैक की होने वाली है पूरी की पूरी। इसके सीट के ऊपर में आपको कंफर्ट की बैजिंग मिल जाएगी कंफर्ट टेक की और कुशनिंग इसकी काफ़ी अच्छी होने वाली सीट की और 807 mm की यहाँ पर आपको इसकी सीट हाइट मिल जाएगी जो कि स्प्लेंडर वगैरह के मुकाबले में ज़्यादा होने वाली है। टैंक पैड आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा रबर का, देख सकते हैं आप इसका टैंक का पूरा डिज़ाइन ऐसे। और मैं अगर आपको फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात करता हूँ तो उसमें आपको मिल जाएगा 8017 का ही आपको ही फ्रंट में भी मिलने वाला। फ्रंट के मैं अगर दिखाऊँ आपको पूरी प्रोफाइल टायर की अलॉय की डिज़ाइन की कुछ ये है, देख सकते हैं आप इंजन का थीम भी पूरा मैंने आपको दिखा दिया। और इसमें आपको 200 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी जो कि सेगमेंट में पहली, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। बैक की टेल लाइट की डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की मिल जाएगी,
नंबर लगाने का ऑप्शन रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको इसका कुछ ये इसका पूरा मडगार्ड का डिज़ाइन भी मिलने वाला है। बैक में इसमें आपको 110 मिलीमीटर की ड्रम ब्रेक मिल जाएगी, यहाँ पर आपको RLP वाली प्लेट मिल जाएगी और ये सस्पेंशन का डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया। मफलर गार्ड आपको क्रोम की फिनिशिंग में मिल जाएगा पूरा एग्जॉस्ट के ऊपर में। उसी के साथ में यहाँ पर भी आपको फुटपैक्स मिल जाएंगे, एडजस्टेबल किक का ऑप्शन मिल जाएगा, DTSI की बैजिंग मिल जाएगी और स्पीड में क्रैश गार्ड का ऑप्शन मैंने आपको बताया था। देख सकते हैं आप इसकी जो ये रियर ब्रेक का वाला लीवर का पैड है इसका अटैच होने वाला फ्रंट ब्रेक के साथ में। रबर की कोटिंग इसमें भी मिल जाएगी और साइड से पूरी ये कुछ इसकी लुक मिल जाएगी। अब अगर इसके बार हैंडल के बारे में बात करते हैं तो क्रोम की इसमें आपको बार हैंडल मिल जाएगी फ्रंट में, पहले तो आप देख सकते हैं इसकी कुछ ये लुक की। उसी के साथ में अगर बार हैंडल स्विचेस के बारे में बात करते हैं इसमें आपको मिल जाएगा पासिंग अपर डिपर टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा और एक यहाँ पर आपको हॉर्न का स्विच भी मिल जाएगा। उसी के साथ में यहाँ पर आपको पूरा ये सिस्टम मिल जाएगा, बार हैंडल नहीं प्रोवाइड है और रबर की कोटिंग के साथ में इसके हैंडल बार आपको मिल जाएगी। ब्लैक की फिनिशिंग में इसके आपको क्लच का लीवर मिल जाएगा, दोनों लीवर आपको ORV में मिलते हैं लेकिन अभी अटैच नहीं होने वाले हैं। उसका डिज़ाइन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको हेडलाइट के लेवलर मिल जाएंगे, शेल्फ मिल जाएगा, एक्सेलेरेटर के साथ में फ्रंट ब्रेक का लीवर भी मिल जाएगा। उसी के साथ में मैं अगर दिखाऊँ इसका आपको मीटर, तो सेमी डिजिटल आपको इसमें मीटर कंसोल मिल जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल रहा है और इस साइड पे ओडोमीटर मिल जाएगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा, एक क्लॉक मिल जाएगी और ओडोमीटर ट्रिप मीटर जैसे फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे, फ्यूल गोज का ऑप्शन मिल जाएगा, इंजन माल फंक्शन की लाइट। और अब इस गाड़ी में मैंने बताया आपको सिंगल चैनल ABS आया तो ABS की लाइट भी यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगी। मैं अगर दिखाऊँ गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, पूरा इसका कुछ ये लुक। अब इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं जिससे इसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है, तो इसमें आपको मिलने वाला है 115.45 cc का नेचुरल डीजल एयर कूल DTSI इंजन जो कि रिलीज़ करने वाला है 8.60 PS की पावर 7000 RPM पर। और अगर इसके टॉर्क के बारे में बात करते हैं इसमें आपको मिल जाएगा 9.81 Nm का टॉर्क जो कि रिलीज़ करेगा 5000 RPM पर। और ओवरऑल कंपनी फ्यूल इंगेज माइलेज की बारे में बात करते हैं इसमें आपको 70 KMPL तक की कंपनी फ्यूल इंगेज माइलेज मिल जाएगी। उसी के साथ मैंने आपको बताया इसका 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सेगमेंट में बेस्ट होने वाला है और ABS वाला जो फीचर इसमें आपको सेगमेंट में पहला होने वाला है। फ्रंट से आप इसकी पूरी लुक देख सकते हैं। और अब गाड़ी की बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, ये आपको कितने की पड़ जाएगी ऑन रोड कानपुर में, सो ये आपको ऑन रोड कानपुर में पड़ जाएगी 90,370 रुपीज़ की, 90,370 रुपये की आपको ऑन रोड कानपुर में पड़ जाएगी। और अगर शोरूम एड्रेस के बारे में बात करते हैं तो अपना सोसाइटी मोटर्स है जो कि साकेत नगर में पड़ने वाला है, इसका मैं आपको पूरा जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो यहाँ से आप कोई भी बजाज की बाइक परचेज कर सकते हैं। सो कुछ ये थी बजाज प्लेटिना ABS की वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।